क्या ऐसी खास चीज है जो आपने जरूर करनी होती है मीठी ईद पे? सबसे जाके खुद ईदी मांगनी होती है। अगर आप अपने लिए सोचे तो बिल्कुल भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी में भी अब तो ले लेते हैं, ईद में क्या रहा। मेरा दोस्त लाखों में एक उसका एक दुख अलग। दोनों जगह पे नहीं, दोनों जगह पे दोनों। इतनी देर में अम्मा पापा का झगड़ा हो जाएगा। दर्जी वाला मसला नहीं होता। गलत सवाल कर दिया। नहीं मिलता अपने साइज का। अच्छा तू माँ से पैसे मांगेगा। आपको गाना याद आ रहा होगा कि हम साथ साथ हैं। डॉन थी ना। मैं डॉन एस्टेब्लिशमेंट डॉन हूँ। टैक्स वालों भी लावा भी बहुत सारे सुनते हो। ऐसा मैं माशाल्लाह। और इनके अंदर ना इनके बाबी से माजरत के साथ उस दौर में भट्टे मार के भाग रहे थे। क्या हो सकता था ऐसे ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, ईद मुबारक आप सबको। साउथ टुडे की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद अपनों के संग में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ माविश रिजवी और मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद रिजवानी, है ना? हाँ जी, जमशेद रिजवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, एडिटर साउथ टुडे। और आज के दिन सर आप कैसे ईद मना रहे हैं? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। देखने वालों को ईद मुबारक। और मैं ईद इस वक्त स्टूडियो में मना रहा हूँ। हाँ। आपके साथ बैठा हूँ और दो मेहमानों के साथ बैठा हूँ जिनके साथ ईद के मौके पर होना खुद बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ईद दोबारा हम आपकी करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान के नामवर लोग हैं, पाकिस्तान के हीरोज़ अगर इन्हें कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने प्राइड ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च को जिनको मिला है, यूथ को एम्पावर कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में। हमारे साथ मौजूद हैं तन्वीर नाडला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और उसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल मरियम के नाम से इनको जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत नाम इन्होंने कमाया है लोगों में। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाइए? अल्लाह का शुक्र जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। तो जल्दी से हम बढ़ेंगे पहले सवाल की तरफ। मरियम क्या करती हैं आप ईद पे? क्या ऐसी खास चीज़ है जो आपने ज़रूर करनी होती है मीठी ईद पे? सबसे जाके खुद ईदी मांगनी होती है। हाँ, क्योंकि मैं ददियाल में सबसे छोटी हूँ, ननियाल में सेकंड नंबर पे हूँ, लेकिन अकलौती हूँ तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है। बाकी खाला मामू सब के बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 हैं तो उनको 3 के हिसाब से ईदी मिलती है, मुझे तीनों के हिसाब से एक को ईदी मिलती है। यानी ईद का भरपूर फायदा जो है वो इकलौते जो होते हैं वो ज्यादा उठाते हैं। बहुत ज्यादा उठाते। तो कितनी ईदी हो जाती है मैक्सिमम या मिनिमम? किसी ईद पे सबसे ज्यादा कितनी हुई और सबसे कम कितनी? 20,000-30,000 नॉर्मली हो जाती है। अच्छा, और सबसे कम किस ईद पे ईदी मिली? बकरा ईद। बकरा ईद पे तो ईदी नहीं मिलती। मैं लेती हूँ, मैं तब भी लेती हूँ। अच्छा, मैं लेती हूँ कि भाई मैं तो गोश्त नहीं खाती ना, मुझे ईदी है। मैं जाके पिज़्ज़ा बर्गर खा लूंगी। सर आपको ईदी मिलती है? आप ईदी देते? मुझे अब ईदी बिल्कुल नहीं मिलती। तो देनी पड़ती है और देने के लिए भी बहुत से बंदोबस्त करना पड़ता है मुसलसल। तो अभी नए नोट लाए हैं? अगर आप अपने लिए सोचे तो बिल्कुल भी नहीं। जी तन्वीर साहब, ईद की नमाज पढ़ने के बाद पहला काम ऐसा क्या होता है कि आपने करना है मीठी ईद पे? सवैया खानी। मीठी ईद पे पहला काम बस ईद नमाज से निकले और दोस्त अहबाब, इतना मतलब यार दोस्त रिश्तेदार और इतने इकट्ठे, मतलब पहली दफा शायद चांस होता है साल में एक ही दफा कि सबको एक दफा मिल लेते हैं, तो बस गपशप होती है। तो वहीं से ही कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई रिलेटिव पकड़ के अपने घर ले जाते हैं, चलो जी आ जाओ, वहाँ बैठ के गपशप भी करते हैं, सेवइयां भी खाएंगे, खाना भी खाएंगे। तो पहले तो वहाँ पे ही होता है और वहाँ पे जाते जाते शाम समटाइम ये होता है कि दोपहर हो जाती है और वहाँ से फिर घर गए और फिर वहाँ पे बच्चे पहुँचे होते हैं। यू नो अब ईदी लेने वाले तो रहे नहीं हम भी। आपको तो लेनी भी नहीं चाहिए, आपको तो दोनों हाथों से बांटनी चाहिए जितना हम नोट छाप नहीं। अच्छा, बंदा जितने मर्जी नोट छाप लेकिन वो जो ईद लेने वाला एक फीलिंग्स थी ना, वो बड़े मजे की होती है ना, कि आपको एक होप होती है। मुझे दादी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मतलब उनसे ईद लेना एक बड़ा, जिसे कहो ना, इमोशनल और बड़ा मजा आता था। मतलब उनके पास जाना, फिर उन्होंने बार्गेनिंग करती थी प्रॉपर, कह जी नहीं 100 रुपया, उनने वो 25 से शुरू होती थी, हम 200 से शुरू होते थे, बात कहीं 75-100 पे आके जम जाती थी। तो वो जो बार्गेनिंग वाला मरहला था बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। अच्छा आपको भी? अच्छा, आप भी बार्गेनिंग होती होगी क्योंकि आपने इनका तारुफ कराया ना नांडला साहब का।
डिजिटल मार्केटिंग, आजकल आपको पता है डिजिटल करेंसी की बड़ी बात हो रही है, तो क्या आप ईदी भी डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हुई है या नहीं हुई है? वैसे जो टीम है उनको तो डिजिटल ही मिलती है, इवन क्रिप्टो करेंसी में भी अब तो ले लेते हैं, ये तो मैं कह रहा हूं। बाकी कुछ वो जो हमारे लोकल बैंक ट्रांसफर्स, इवन जैज कैश, इसी पैसा वगैरह, उसका बड़ा किरदार रहा है। एक टाइम होता था हम कार्ड के अंदर ना वो 50 रुपए किसी ने भेजी होती थी, और डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, आगे आप बताएं ना, मेरा दोस्त लाखों में एक। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि मेरा दोस्त लाखों में एक। कितनी दफा आपने कहा ये? कितनी दफा आपने कहा इस तरह ईदी भेजी कभी किसी को? अच्छा, मैंने ईदी भेजी है और मैंने ईद कार्ड भी भेजे हैं सर। अच्छा, मैं जब छोटी होती थी ना तभी से ईद कार्ड खत्म होना शुरू हुए थे। मैं अभी 20 साल की हूँ, तो ये ऐसे 15 साल पहले की बात है। वैसे पढ़ते रहना। हाँ, अब उम्रा भी करके तो सर उस टाइम ईद कार्ड भेजते होते थे, उस वक्त भेजते थे, अब तो खैर ये कम होता जा रहा है। तो आपने अभी प्राइड ऑफ पाकिस्तान लिया, बहुत बड़ा आपने तमगा लिया, उसके बाद बहुत अच्छा आपको लगा। तो आपने जब तमगा लिया उसके बाद आपको लगता था कि आपको हमारे शो में भी बुलाया जाएगा? आपने तो ये इंडिया के मशहूर शो है, जो मार आता है तो उसको अक्सर उसको कहते रहता है अच्छा अच्छा तो अब नाम ही लेते, लेकिन बड़ा पॉपुलर शो है काफी। तो आपने वैसे ही बात किया था, मेरे लिए तो बड़े फखर की बात है। और मुझे सर हमारे लिए बड़े फखर रिजवानी साहब के साथ बैठना और इस तरह गपशप करना, इट्स एन ऑनर फॉर मी। हमारे लिए ईद के मौके पे तनवीर, नांडला और लिटल मरियम के साथ होना वाकई में, पहले भी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वाकई ऑनर की बात है, हम सब के लिए खुशी है और ऑनर भी। हम आपके साथ ईद, आप हमारे साथ ईद के कुछ लम्हे गुजार रहे हैं, बड़ी बात है। अच्छा मरियम, किसी ईद पे डांट पड़ी है बहुत ज्यादा? चांद रात को मामा कह के सोती हैं कि तुमने अपनी जो चीज़ें संभाली हुई हैं वो सुबह तुमने, तुम्हें याद है ना किधर रखी हैं? जी याद है, अभी निकाल के रख लो, सुबह टेंशन नहीं होगी। अभी तो क्यों निकाल लें, सुबह ही निकलेंगे। जब सुबह तैयारी कर रही होती हूँ, कभी ब्रेसलेट नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी जूती गुम हो जाती किधर रखी थी, अपनी तरफ से संभाली भी होती है लेकिन उस मोमेंट पे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो एज यूजुअल डांट पड़ना कंपलसरी है अभी तक, स्टिल अभी तक, आज भी पड़ी है। इस हाथ के बैंगल नहीं पता किधर रखे थे। सही है, यानी आपने वो जो एक वो रिवायत है उसको बरकरार रखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बगैर ईद अधूरी है, मतलब माँ बाप की डांट के बगैर जाना। लेकिन मुझे एक उन्होंने जो बड़ा खूबसूरती से वो कह रही थी ना कि मेरी जूती गुम हो जाती है, यानी ईद के ऊपर तो लड़कियों की जूती गुम हो जाती है और इनकी, लेकिन शादी के मौके पर लड़कों की जूती गुम हो जाती है दूल्हा की खास तौर पर। तो ये पहला मर्द है, बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, शादी के मौके भी और मर्द हजरात की नमाज पढ़ने के बाद भी जो है ना जूते गुम हो जाते, फिर वो किसी और के पहनाते हैं? आपके साथ हुआ है कभी आप किसी और के पहने? समाज तो ऐसा नहीं लग रहा। वैसे मैं किसी और के पहनना, मुझे बचपन से ही ऐसे, पहली दफा गया सर मैं, बड़े इंटरेस्टिंग बात है, एक जगह पे गया ना, वो महफिल मिलाद होती है तो वहाँ पे अच्छा खासा रश था। अच्छा, मैं पहली दफा ही गया यकीन कर लाइफ में। अच्छा, मैंने सोचा कि यार यहाँ पे जूतियाँ बड़ा सोने गुम हो जाती है, मैंने एक जूती को ना एक जगह पे रखा और दूसरे उसके जूते को ना दूसरी जगह पे छुपा के रखा। ये ऐसे कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, देख ले कोई एक जूता तो नहीं लेके जाएगा ना। सोचे ना कि वो आपसे भी डेढ़ होशियार होते हैं। मैं वापस आया, दोनों गायब। अच्छा, दोनों जगह पे नहीं, दोनों जगह पे दोनों गायब। उस बंदे ने ढूंढ लिया आपको रखते हुए। तो तब से मैं मतलब अब ना मैं तवक्कल ही हूँ कि भाई उठनी होती तो इस तरह भी चोरी हो जाएगी। तो इस बारे में ज्यादा तो फिर आप पहन के किस किया है? नहीं, मैं मतलब पता चला था कि ये चोरी है। पहले तो ये कंसेप्ट होता था ना आपकी, जिस तरह की उठाई गई है वैसे ही थोड़ी सी ना लेके आती है, लेकिन ये चोरी में गर्दानी जाती है तो फिर वैसे ही आ गए बाहर किसी की नंगे पाँव। नंगे पाँव सही। मरियम, आपके तो खैर जूते नहीं चोरी हुए होंगे, लेकिन एक एक्साइटमेंट होती है नए कपड़ों की, नई चीज़ों की, नए जूतों की, ज्वेलरी की। कभी ऐसा हुआ कि उनको पास ही रख के सो गई हूँ मेरी तरह बेवकूफ़ों की तरह, और उसकी इतनी एक्साइटमेंट हो थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रही हूँ उठ के? पास रखना एक अलग चीज़ है, मुझे सही रात नींद नहीं आती, सुबह ईद है मैंने तैयार होना। और कब सुबह होगी कब मैं तैयार होंगी। और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये होती थी कि भाई कपड़े नए पहन के सबसे पहले नानों के घर जाना, स्टिल अभी तक यही कॉन्सेप्ट है, नानों के घर जाना, नानों से, और नानों ऐसे छुप के ईदी देती है ना, ये लो छुप कर
नंबर पे रख लो। अच्छा अब सारे कजन्स की ना नजरें मेरी तरफ होती हैं, इसको ज्यादा मेरे, मैं देख लो नानो ने 1000 रुपए दिए, नानो ने 1000 मतलब डील हो जाती है अंदर ही, डील अंदर ही हो जाती है। और नानो भी फिर ऐसे मशकूक तरीके से देती है ना कि शक नहीं होता, फिर मैं उनको एक ही नोट दिखाती हूँ, हालांकि 5 नोट होते हैं। ये देख लें सर, डील हर जगह होती है। लेकिन कम से कम आज इन्होंने एक्सपोज कर दिया आईने से, इनके कजन जो है ना उनको पता है आईने से कैसे करते हैं। जितना ये बता रही है उससे अपनी दादू नानो को फंसा दिया। नानो नहीं फंसती, नानो पहले या तो कभी घर आके पहले चांद रात पे दे देती है या सबके सामने नहीं देती, वो कहती है बात सुनना मेरी, वो किचन में बुला लेती है, अच्छा यार ये खा लो, खा के बस वो हाथ में ईदी होती है और मैं भी अपने बैग में रख के बस। नानो से तनवीर साहब आपको ईदी मिली हो जो बचपन में ईदी मिलती होती थी? अच्छा अभी आप बात करी थी डांट की ना, डांट की और ईदी की, तो बचपन में बड़े मसले होते थे देसी घर के ना, देसी फैमिली के भी अपने मसले होते हैं। अब हम पापा के पास जाके मैं बारगेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे अब सबसे ज़्यादा वहीं से मिलने होती है ना आपको कि जी 1000 रुपया दें, उनने 200 रुपये निकलने, चलिए ले, अब नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा, ये रख दिए वापस। अब बारगेनिंग स्टार्ट है और बड़ा बड़ा इमोशनल है, ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, इतनी देर में अम्मा पापा का झगड़ा हो जाएगा किसी भी बात पे ना। अब हम अपनी उम्मीद है, हमारे दिमाग में ये है कि इतने पैसे आएंगे, उनको खर्चना कहाँ है, सारी प्लानिंग कर चुके हैं, दरमियान में झगड़ा हुआ, उनको गुस्सा आ गया, अब बंदा ना उनसे बात कर पा रहा है कि भाई जो दे रहे थे वही दे दे, चलो हमारा गुजारा हो जाए, और ना बात आगे बढ़ रही है। तो ये बड़ा मसला ईदी वाला ना, मुझे बचपन की ये यादें नहीं भूलती। अच्छा आपने भी खुद ये ट्रिक इस्तेमाल किया बच्चों के सामने? अच्छा आजकल के बच्चे स्मार्ट हैं, वो तो भाई रूठने नहीं देते आपको ना, वो एक ही गो में आपसे निकलवा के फिर इधर उधर होते हैं, और हमारा गुस्सा शायद फेस से वैसे नहीं झलकता, हम गुस्सा दिखा भी रहे होते हैं तो आगे से मजीद गुस्सा दिखाते हैं, तो फिर हम वहीं बैठ। अच्छा अब वाले बच्चों में ना वो कन्विंसिंग पावर भी ज्यादा है, और दूसरा ये ज्यादा है ना, हमें तो बचपन से समझ ना दबा के रखा, मतलब अम्मा अब्बा ने जो कह दिया उसके बाद कोई ये मोबाइल जनरेशन है ये नहीं दबती, सही बात है। उसके बाद फिर वो जो अम्मा अब्बा ने ईदी अपने पास रख लेनी होती थी, अब तो बच्चे नहीं रखने देते, मतलब मेरी तो काफी सारी ईदियां मम्मा ने रखी थी और वो सब क्या क्या दुख मिले। मतलब मुझे अम्मी ने कहा कि देखो बेटा इतनी सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, गुम हो जाएंगे, पूरा साल चलेंगे, गुम हो जाएंगे, तुम से पूरा साल चलाएंगे, इसको इकट्ठे करते जाओ। मैंने कहा बात तो बड़ी अकल वाली कर रही है। मैंने जमा करा दिए, अगली बकरीद आ गई उस पर थोड़े पैसे मिलते हैं ना, उतने नहीं मिलते जितने इधर फितर में, वो भी मिल गए। मैंने कहा बेटा ये भी जमा करा दो, देखो इकट्ठे हो जाएंगे। 2 महीने बाद पूछा अम्मी वो पैसे, अच्छा अब तो माँ से पैसे मांगेगा, वो तो खत्म हो गए, वो फला मसले कल मुझे रब्बा नहीं देता, मुझे मुझे कहीं कोई नहीं देता, कौन देता मुझे, वो थोड़े से पड़े थे लगा लिए, मैं चोर हो गई। बंदा वैसे बैड फील करता है कि यार अच्छा भाई तू राजी रह जा, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा अम्मा के डायलॉग भी बड़े हैवी किस्म के डायलॉग होते हैं, ऐसे डायलॉग किसी मूवी में किसी ड्रामा में भी नहीं होते, आपको उल्टा रिग्रेट फील होने लग जाता है। अच्छा मेरी अम्मा हर बात पे ही कहती है कि भाई मैंने 7 बच्चे पाल लिए और ये 7 बच्चे जो है ना मुझे एक माँ को नहीं पाल सक रहे, तो वो और अक्सर ये होता है कि बागबान सर मूवी है वो जो अमिताभ बच्चन की, तो वो जब लग रही होती है ना तो फिर हम ऐसे होते हैं जैसे हम वो ला दें जिसने किया और फिर वो सारा सीन चल रहा होता है, वो आपका बड़ा ये बड़ी दफा कोट की गई है, गाना याद आ रहा था होगा कि हम साथ साथ हैं। एक और फिल्म बना दी है मेरे पेरेंट्स की तरफ से, बड़ी दफा कोट की गई है, देखा आप वैसे बच्चे। अच्छा तनवीर ने तो अपनी ईदियों का हाल बता दिया है, आपके पास आपने ये बताई थी कि आपको इतनी ज्यादा ईदी मिलती है, वो रखती कहाँ, और खर्च कैसे करती हैं? अकल नहीं थी ना कि बच्चे मम्मा, मुझे तो मम्मा का खौफ अभी भी है, अभी तक है, अभी तक ले लेती हैं वो, नहीं 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 ईदी अब नहीं देती, अब खौफ अभी भी है, समझे उनकी अगर एक कॉल आ गई है ना तो मैं चाहे दुनिया के आखिरी कोने पे मुझे 5 मिनट में घर पहुंचना है, इतना खौफ है मुझे। अच्छा पहले मम्मा नहीं बेटा बुरी बात है, देखो ईदी नहीं रखते होते इतनी, वैसे चोरी हो गई आप, आपसे किसी ने खींच लिया, एक वो खौफ दबदबा होता था कि बाहर अकेली जाओगी ये वो। अच्छा पहले 100 रुपये दे दे, वो ना अंकल ने बाहर रेडी पे गोलगप्पे लगाए हैं, वहाँ पे कुर्सियाँ बैठ के पूरे मोहल्ले को बच्चों को इकट्ठे करना, मैंने क्या हो यार गोलगप्पे खाने चले, तो बस गोलगप्पे खाने, तो बस वो 100 रुपये, बाकी अम्मा से ईदी। अच्छा मैं ईद के तीसरे दिन पूछती हूँ मम्मा वो पैसे तो दे, तुम्हारे कपड़े नहीं लिए थे मैंने, तुम्हारे कपड़े आए जूती है। अच्छा चल रही कोई मसला नहीं, नेक्स्ट कोई इवेंट आता है कुछ आता है मामा वो पैसे तो दें जो आपने अपने पास ईदी के रखे थे, तुम्हारी चीज़ें कौन लेके आता है, ये पहनी भी तो है इन्हीं कपड़ों से, इन्हीं पैसों से तो आई है।
अच्छा अब दो मिनट के लिए मैं खामोश, कि अगर मैं इस बात पे रिग्रेट करती हूँ या इस बात पे बहस करती तो कपड़े जाते हैं, मतलब नए कपड़े नहीं आते। मतलब माँ बाप से पैसे निकलवाना जो आज की हमारी बात है गुफ्तगू है, उसमें साबित हो गया कि ये नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। अब मैं कहती हूँ कि अब तो मैं बड़ी हो गई ना, मैंने छोटे कजन्स को भी ईदी देनी है, तो मुझे मेरे पास पैसे रहने देना, बेशक 10 रुपए भी दूं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो ऐसे आके मांगते हैं क्योंकि मैं ननिहाल में बड़ी हूँ, तो वो आप ही ईदी दे आप ही दी, तो वो अब बचत हो जाती है, लेकिन पहले बचत नहीं होती थी। मुझे तो ईदी अभी आपकी सारी बातों से ना मैं बहुत दुखी लग रहा, आपको नहीं मिलती ना सर सर कहानी घर घर, अब आप ही हमें ईदी कहानी घर घर की है, बिल्कुल। उससे पहले ये मुश्तर का दुख, बस मुझे आप सबसे हमदर्दी है, शुक्र है सर। किसी बात आपको सबसे सब आपके टाइम पे मतलब किस तरह ये सारा सीन चलता था? यही होता था तकरीबन। अच्छा, अम्मी ने पहले जाहिर है तो दे देनी, जब आपको मिल जानी अब हमें। अच्छा भाई, कि ये सिस्टम है ना, तो उस वक्त जो पेरेंट्स ही होते थे उनको पता होता था कि यार ये जो मेरी वालदा सराइकी में कहा करती थी कुछ चीज़ों पर लेन देन के हवाले से, कि ये बेटा जिंदगी का कर्ज होता है, जाले का कर्ज है, जब तक आपने किसी ने आपको ही आपको दे गया पैसे तो वापस भी करने होते हैं। तो हमें पता है कि जो पहले रेस क्या होती थी, कि जो बंदा किसी घर जाके पहले जाकर ईदी दे आए, अब उसको पता है कि जब वो आएगा उनके घर में तो वो उनके बच्चों को उससे ज्यादा ही ईदी देगा। Exactly. इसलिए हर कोई जल्दी ही होती थी कि हर कोई जाकर ना पहले दे आए ताकि हम करने के लिए। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो सो हमने इसको फेस किया, शायद अब हमारे बच्चों ने भी इस तरह ही करते हैं, लेकिन वो हमें याद है कि एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, हम जब लेते थे सर उस वक्त करेंसी की वैल्यू थी, अब डेप्रिसिएशन हम पे लग चुकी है, तो हमें पे ज्यादा करने पड़ते हैं, मिले कम थे। हाँ, 10-10 रुपए में भी खुश होंगे। वैल्यू ऐसी थी, वैल्यू वैसे मैं समझता हूँ कि देखिए उस वक्त भी आप सर, आप आज कोई बच्चा 500 से कम नहीं लेता, नहीं लेता। हम 50 रुपए खुश हो जाने में लोग। अच्छा, 500 में पहले जब आप आज से 10 साल पहले 15 साल पहले करते होंगे। अच्छा, आप भी 20 साल के मुझसे छोटे। अच्छा देखिए, आपके जो दोनों की जो बड़ी शिनाख्त है ना जी, वो ये है कि अपनी जात के अलावा भी सोचते हैं। दोनों की खूबी है जो हमारे सामने हमारे स्टार्स बैठे। ईद पे आप क्या समझते हैं कि जो आपके अराउंड लोग हैं, हम सबको दूसरों के लिए कैसे सोचना है, या हम क्या सोचते हैं? इवन आज का दिन भी, ईद वाले दिन भी हम क्या कर सकते हैं? पहले मैं तनवीर से ये कमेंट लेना चाहूँगा, फिर मैं आपसे। आपने एकदम जो है ना वो जज्बात अच्छा, मेरे पास ना दो ऑप्शन होते हैं, मतलब मेरे घर से तकरीबन एक बराबर ही फासला है, मतलब एक जगह पे होते हैं जहाँ पे रिलेटिव्स और सारी हमारी फैमिली नमाज पढ़ रही होती है, दूसरा है कंपैरेटिवली थोड़ा लोअर आई मीन जो क्लास या लोअर मिडिल क्लास वो नमाज पढ़ रही है। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कि किस तरफ जाएँ, तो मैं कोशिश करता हूँ वो जो गरीब वाली साइड, गरीबों वाली है तो उस साइड पे जाऊँ। वहाँ पर जाने का बेनिफिट ये होता है कि मतलब जो नोट मतलब ले के रखे होते हैं पहले, बैंक वालों को कॉल कर दी, उन्होंने पहुँचा दिए, तो वो वहाँ पर आपने बच्चों के अंदर बांट दिए, तो वो जो उनके चेहरे पर चमक होती है ना, वो जो खुशी देख के आपकी ईद का जो मज़ा है ना, यकीन करें वो सहबाला हो जाता है, मज़ा हो जाता है। मतलब आप उनके चेहरे को देखो ना कि अच्छा बोनस आ रहा है ना कहीं से ऐसे ही, मतलब इवन हमें अगर हमारे पास जेब में पैसे होते भी थे फिर भी कोई पैसे देता तो बड़ी खुशी फील होती थी, तो जिनके पास अपेरेंटली इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है पैसे, और उनको ऐसे दिन चीज़ मिल जाए और वो मज़े के अपने गोले गंडे खा रहे हैं, जो मतलब मर्ज़ी अपने मज़े उड़ा रहे हैं, कहने वो जो फीलिंग होती है ना बड़े मजे की फीलिंग। अच्छा तनवीर साहब, आपने कहा कि मैं जो है वो फिर जब ईदी मंगवाता हूँ कैश, आपके लिए तो कैश की पूरी एक गाड़ी आती होगी फिर, आप जितना आप कमाते हैं। ये टैक्स वाले ना सुन, वीडियो जानी भी है, टैक्स वालों के अलावा भी बहुत सारे सुनते होंगे। अब ये जहाँ जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ना वहाँ रश, अगर वहाँ पहले 100 लोग होंगे तो अगली ईद पर बकर ईद होगी 500-600 लोग ज्यादा, हाँ 200-300 लोग ज्यादा, क्योंकि ये सबको देते हैं और ज्यादा देते हैं। बहरहाल वो जो खुशी होती है ना वो बड़ी। हाँ जी मरियम, पहली तो बात है इस चीज पे मेरा कपड़े बनवाने का दिल नहीं कर रहा था। अच्छा क्यों? मैं सोशल वर्क करती हूँ ना, मैं नहीं, पीछे की हुकूमत चली गई है, पीछे की हुकूमत चली गई। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, उसका एक दुख अलग
दुख नहीं है, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि इमरान खान वापस और ज्यादा जोश में आएगा। दुख नहीं है, मैं स्टिल अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ही विल कम बैक इंशाल्लाह वेरी सून। नए इलेक्शंस में? नहीं नहीं, जल्दी जल्दी, नए इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह। नए इलेक्शन से पहले? इलेक्शन से पहले कैसे? नहीं बस आ जाएगी ना हुकूमत, मैं अपने आप को जिस बात इलेक्शन से भी अलग अलग हुकूमत आ जाएगी। बस चले तो उनको पकड़ के जल्दी से इलेक्शन करवाए ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर आप हैं। अच्छा प्रेसिडेंट इन हार्ट भी कह रहे हैं ना उनको, तो प्रेसिडेंट इन हार्ट है। तो मैंने इस सीट पे ना शॉपिंग नहीं की थी आखिरी अशरे तक। मेरी मामा ने मुझे कहा कर लो, मैंने कहा नहीं दिल नहीं कर रहा मेरा, मैं जो मेरा इस टाइम पे सिनेरियो, मैं इन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, उन लोगों के पास जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ ना जब उन लोगों को, तो मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं सादे कपड़े पहन के ना उनके साथ ईद गुजार लूँ। मुझे कहती हैं ठीक है आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ ना हमें चीज़ों को भी देखना होता है, इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना होता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलें आप कहती हैं तो बनवा लेते हैं। लेकिन लास्ट ईयर मैंने ये किया था कि मैंने सेकंड एक बच्चा है उमर, उसके साथ मेरा रूही में भी इंटरव्यू हुआ था, तो मैं उसके पास जाती हूँ, एक ईद का दिन उसके साथ गुजारती हूँ अपनी टीम के साथ जाके। वंडरफुल। फर्स्ट डे तो फैमिली के साथ, सेकंड डे और थर्ड डे मैं अपने सोशल वर्क में ही गुजारती हूँ। तो सेकंड डे मैं उसके पास जाती हूँ, लास्ट ईयर मैं थर्ड डे SOS में गुजारा था, लेकिन इस दफ़ा मेरा ये प्लान है कि सेकेंड डे मैंने उसके साथ गुजारना, थर्ड डे मैं ओल्ड एज होम जाऊँगी, क्योंकि वो ओल्ड एज होम वाली जो आंटी है ना वो मुझे बुला रही हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, मैंने कहा मैं एक दिन ना उनके साथ गुजारूंगी। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा मुझे ये होता है कि बस अपनी फैमिली को तो बंदा साल के 12 महीने टाइम देता है, लेकिन उन लोगों को हम साल में एक दिन टाइम देते हैं। लेकिन एक खुशकिस्मती की बात है मरियम ये आपके लिए माशाल्लाह कि वो खुद आपको याद करते हैं और बुलाते हैं, मतलब ये बड़ी खुशकिस्मती। और मैं जब जाती हूँ ना मैं कहती हूँ कि मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकती, वो उनकी खुशी को देख के, मतलब वो उन्होंने इतना प्यार करना, सर पे प्यार करना, माथा चूमना, मुझे ना अपने बड़ों वाली फीलिंग आती है कि मेरे बड़े जैसे मुझे प्यार करते हैं। तो मुझे जाके इतना सुकून मिलता है ना, मैं कहती हूँ कि यार असल कदर ना माँ बाप की इधर आके होती है, लिटरली इधर आके होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा होता है, और मैं जब उन बच्चों के साथ ही उन माँ बाप के साथ गुजारती हूँ ना टाइम, मेरी जिंदगी का एक वो मोमेंट ही अलग होता है। तो अच्छा तन्वीर साहब इनका मोमेंट ऑफ लाइफ क्या है? मोमेंट ऑफ लाइफ टफ क्वेश्चन पूछा, एकदम मैं कहीं और गया हुआ था। मतलब कुछ सीक्रेट सी चीज़ें होती हैं, मतलब कैसे बताए, मतलब कुछ इस तरह का इमोशनल एक टाइम था, मतलब किसी की हेल्प की और वो इतना, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी हेल्प होगी, कि वो बंदा इतना ओवरवेलमिंग उसका है। अच्छा तन्वीर साहब इनकी जिंदगी में ये लम्हे ना रोजाना आते रहते हैं, मैं वही कहने वाली थी, क्योंकि इनके जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो इनको रोजाना टेक्स्ट करते हैं कि उन्होंने सिर्फ अभी इनको 2 माह हुए हैं, 3 माह हुए हैं, और इन्होंने पिछले 1 साल में क्या अर्न किया है, इनके इनको उस वक्त मुझे लगता है कि मैं गया लाहौर, चले आपको सुना ही देता हूँ। मैं लाहौर गया तो मेरा एक स्टूडेंट था, वो पहले ही बैच में, ये 2017 की बात है, उसने मुझे मैसेज किया सर मिलना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, उकाड़ा का था, मिलना चाहता हूँ सर, मिलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना इस तरह, अब इतनी ज़्यादा उसका शौक मैंने देख के, मैंने कहा क्या, उस वक्त मोटरवे नहीं बना था ना, इस वक्त हाईवे से हम आते जाते थे, तो वापसी भी मैंने मतलब ना चाहते भी उसे हाँ करती, पता नहीं कैसे मेरे दिल में आ गई। अब मैं उसके घर पहुंचा हूँ और उसका छोटा भाई मुझे रिसीव करने आया मेन रोड, मैंने कहा आप वो हो, अब मैंने नाम लिया ना उसका, कहते जी मैं ही वो हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा कैसे हो, मैंने समझा कि यही स्टूडेंट है ना। उस लड़के ने मुझे नाम बताया था, मैंने छोटे भाई का नाम बताया था, अपना नाम नहीं बताया था, और वही था जो मुझे मिलने आया हुआ था। उसने कहा जी चलें ये वो, पहुंच गए। आगे एक लड़का मौजूद था, अब आगे जो मौजूद था उसने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट। मैंने कहा नाम तो इसका है, कहते सर मैंने नाम इसका यूज करता हूँ, अपना नाम यूज नहीं करता, लेकिन मैं स्टूडेंट। अच्छा अब उसकी अम्मी आ गई, अब उनका बिल्कुल बिल्कुल पुराना सा घर, और उस बच्चे के साथ मसला ये था कि वो सन रेज की तरफ ना खुद बॉडी को एक्सपोज नहीं कर सकता था, मतलब जो ही वो धूप में जाता है उसकी जिस्म जलने लगता है, तो कोई नाम था कोई उस डिजीज़ का भी, और वो अभी तक लाइलाज डिजीज़ है ना, पूरी दुनिया में उसका इलाज नहीं था। वो बेचारा जर्मनी भी गया, यूके भी गया, फंड हुआ उसको, लेकिन उसका कुछ नहीं बन सका। अच्छा उसकी अम्मी आई ना, अब वो खाना शाना खा ली, जब ये पता चला कि इतना स्पेशल बंदा है,
अगर उसकी अम्मी आगे ना मुझे कह रही है अच्छा बेटा ये 500 रुपए ना उन्होंने मेरी जेब में डाले, तो जिस तरह होता है 500 उन्होंने मेरी जेब में डाले, उन्होंने कहा बेटा ये ना आप मतलब अपनी मिसेज को देना, मेरी तरफ से मेरी बेटी को तोहफा है, तोहफा है। अच्छा फिर उस लड़के ने मुझे बताया सर मेरा ये हाल था कि अब मैं बाहर जा नहीं सकता, मेरा वालिद है नहीं, ये मेरी माँ है और घर की कंडीशन में मतलब देख चुका था इतनी हुई सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और मैं बच्चों को अपने इसी रूम के अंदर बुला के इंटरव्यू ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन अब वो भी नहीं आते क्योंकि मेरी मतलब हेल्थ इस चीज़ की ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आपसे काम सीखने के बाद मुझे उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि मैं $250-300 कमा रहा हूँ, और मेरा ये है कि मेरी अम्मी भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और मेरे घर का रोज़गार भी चल रहा है, तो वो इस ये कहते हुए रो पड़ा। वो जो मोमेंट थी ना मतलब मैं उसको नहीं भूल सकता कि यार। अच्छा उसके बाद वो सीरीज ऑफ एक्ट्स होते हैं ना इस तरह की, बहुत सारी होती है, लेकिन वो पहला ऐसा था जिसने डायरेक्टली हिट किया मुझे। तो मैंने एक तो ये फील किया कि यार हम कितने लकी हैं और हम कितने नाशुक्रे हैं, सही बात, कि हमें अच्छे कपड़े नहीं मिले, तो हमने कहा यार हमारे पास हमने कच्ची किसी गाड़ी देख ली, कुछ और हमारे पास गाड़ी नहीं, लोग तो इस तरह की भी जिंदगी गुजार रहे हैं, इन हालात में जी रहे हैं, और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम बात बात में नाशुक्री करते हैं। तो वो आप मोमेंट ऑफ लाइफ कह सकते हैं कि वो ऐसी चीज थी ना बस था। अच्छा रिजवान साहब, मैंने क्योंकि तनवीर साहब का एक प्रोग्राम होस्ट किया पूरा, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग तनवीर साहब को असल में मानते हैं, मतलब उस्ताद ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको कोई मानना शुरू हो जाए, और इनके लिए मैंने लोगों को रोते देखा है, इनके लिए बात करते हुए, इन्हीं के लिए लव्स मेंटर बना ना, हाँ ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, बेशक जो इंपायर करते हैं, जो इंपायर करते हैं, जीना सिखाते हैं, पहाज नहीं करते, तो बड़ी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। मुझे मैं पिछले दिनों जा रहा था एक ये हासिल पोरी शायद भागलपुर के पास है, वहाँ जा रहा था, उसी लड़के का मुझे मैसेज आया, वो उसके वाला कहते सर एक वेबसाइट बेचनी है तो ट्रांजैक्शन बढ़ी है तो पैसे आने का मसला है, उनका क्या कर डाला तुमने, कहते सर $28,000 की साइट भेज दो। आई वॉज अगेन शॉक, तो बंदा लगा रहा है तब से और आज इतने मतलब झगड़े होते हैं। मरियम क्या कभी तुम्हारा दर्जी से झगड़ा होता नहीं हुआ? बस देखा तनवीर साहब का तो रेडीमेड कपड़े, मेरा दर्जी वाला मसला नहीं होता, जूता नहीं मिलता अपने साइज का या मुझे शर्ट नहीं मिलती। अच्छा तनवीर साहब आपका, क्योंकि दर्जी लेट तो करते हैं, मैं कभी मतलब ये भी मुझे नहीं पता ये किसने गिफ्ट दिया है, किसने सिलवाया है, और बस मैंने कहा यार ईद पढ़ने जाना है कपड़े रेडी कर दे, तो मुझे रेडी रेडी मिल गए हैं। ये बास्केट भी शायद बहुत पुरानी है, आई गेस 2-3 साल पुरानी होगी। तो मुझे मतलब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा, बस मुझे लगता है दुनिया बदली नहीं है, आज से कुछ 40 साल पहले भी जो उस्ताद होता था ना उसके घर घी पहुंच जाता था, कपड़े पहुंच जाते थे, साल के दाने आ जाते थे, और जी में पड़े ऐसे हुए पड़े सर। तो देखिए भैया इसलिए ये सही कह रहे हैं कि इनको नहीं पता कि कैसे आए थे। अच्छा ईद की कोई शरारतें, इन्होंने बड़ी खूबसूरत पिशावरी चप्पल पहनी हुई है, कोयटा से आई होगी, ये भी गिफ्ट है कोयटा से, या सारे गिफ्ट हैं, ये भी गिफ्ट है, उस्ताद ये उसने गिफ्ट किया, उस्ताद हो तो ऐसा। अच्छा नहीं सर हर उस्ताद ऐसा नहीं होता, मतलब जिस जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि जो मेरा करंट एक्टिव स्टूडेंट है मुझे गिफ्ट नहीं दे सकता, साबिक स्टूडेंट दे सकता, जो अर्न करना वो दे सकता, उसके दे सकता है और वो भी एक बड़े स्टेजेस के बाद, और मखसूस महदूद लिमिट ट्रांजैक्शन नहीं। वैसे कुछ ना क्राइटेरियाज होते हैं, हम क्योंकि मीडिया में काम करते हैं जर्नलिस्ट हैं, तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है लिफाफा लिफाफा चीजें और गिफ्टिंग, ये दो बड़ी मेजर चीजें हैं, तो हमने उस पर काम भी किया चीज़ें की, तो लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अच्छा खुद सहाफ़ियों को भी नहीं पता कि भाई इसको कोड बनाया गया है, जब जर्नलिस्ट का कोड होता है उसमें ये कहा गया है कि भाई क्या इसको कैसे हैंडल करना है, तो उसमें यकीन करें कि उसमें वाजे किया गया है कि अगर अवल तो ना लें, लेकिन अगर आप समझते किसी के साथ पर्सनल रिलेशन बन सकता है जो आपको प्रोफेशन में आपको हेल्प करेगा, या किसी बंदे का आपसे इतना ट्रस्ट है कि वो नाराज हो सकता है, तो अब आप एक्सेप्ट करें, और उसका फिर आपके प्रोफेशनलिज्म पे फर्क नहीं पड़ना नहीं, उसके भी क्राइटेरिया है कि वो गिफ्ट
किसी भी सूरत में आपके एक दिन की सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसकी जो वर्थ है, तो इसका मतलब एक क्राइटेरिया बन गया नॉट मोर देन वन डे सैलरी, और अगर उससे ज़्यादा है फिर आप मैनेजमेंट को बताएंगे। अब ये चीज़ें तासुर ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं क्या, और वर्ल्ड तो बहुत कम होता है, लेकिन होता है। हमारा शुक्र है कि हम थोड़े प्राइवेट बंदे हैं, इसलिए आप लागू होती है, आप पे लागू नहीं होती है, प्राइवेट के लिए सेल्फ इंपोज नहीं, उसके कारण एथिक्स से होता है। वो आपने बता दिया कि आप जो बच्चे एम्पावर हैं वो लाखों हजारों कमा रहे हैं, वो खुशी से आपके साथ ममनूनियत से अगर आपको वो कर रहे हैं तो ये उनकी खुशी है। जैसे उसकी वालिदा ने आपने बताया, वो उसको खुशी होगी कि आपने उसके बेटे को उसकी वैल्यू, मैंने उनको वापस करने की इतनी कोशिश की, नहीं लेने, फिर मुझे फील है, मैंने कहा यार वापस नहीं करने चाहिए। एग्जैक्टली, किसी और तरीके से मतलब लौटाने और बात है, क्योंकि उनका दिल बड़ा हो गया कि यार देखो मैंने तनवीर जैसे बंदे को भी देखो गिफ्ट दिया है, नहीं हमेशा याद रखेंगे कि चीजें होंगी, लेकिन उनका आपके लिए खलूस, उनके जहन में भी हो गया कि रवायत के जी इनकी। अच्छा सर, ईद का दिन है तो खुशी की बातें करते हैं जरा वापस से, तो अच्छा ईद दुख नहीं होता क्या? रिजवानी साहब के दूसरे शादी करना चाहती हैं, वो क्या खुशी का दिन है? आप अपनी कहां जाती हैं? आप अपनी कहां जाती हैं? आप क्या करना चाहती हैं? मैं तो अच्छा देखिए इतना सारा खौफ है इनको, वेरी सॉरी, उन्होंने टॉपिक नहीं छेड़ने दिया, सुना ही नहीं जो तनवीर साहब ने कहा है बताया, कह रहे हैं आपके घर ये शो देखा ही जाएगा, ज्यादा देखा जाएगा और बहुत खतरा है, फिर ऐसे ये इंतहाई हसास मौजूद है, रिस्क नहीं लेने का है, वो शादी वाली बात ही नहीं हुई थी। अब तो हम बच्चों की शादी की सोच रहे हैं। अच्छा कोई बच्चों की शादी से क्या ताल्लुक है अपनी शादी का? वैसे ये मैं आपसे कुछ ऐसे बात पूछूंगा, नहीं रियली मतलब इंसान तो जवान रहता है ना, क्या ताल्लुक है वैसे? अच्छा ये किसने कहा आपको? मैं आपको देख के बता रहा हूँ। अच्छा आपको कोई शक है? इनके अंदर ये ख्वाहिश शदीद पिनप रही है, इसलिए अपनी ख्वाहिशात को ये दूसरे की उसमें देख के खुश हो रहे हैं, हाँ क्या रिस्पॉन्स आता है, लोग कैसे सोचते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, या इस वजह से कैसे गुजरते हैं। बहुत सारे दोस्त है ना इस तरह के, तो मुझे मतलब फीडबैक इतना कुछ मिला हुआ कि मुझे पता है क्या पता मसला, और मतलब दो शादियों वालों का। अच्छा और 95 उन्होंने कहा कि दूसरी शादी बिल्कुल बंदे को नहीं करनी चाहिए, नहीं तीसरी करनी चाहिए, सीधी तीसरी करनी चाहिए, 95% यही फीडबैक है, ना ना दूसरी नहीं तीसरी करें, ये रिस्क नहीं लेना, दूसरी नहीं तीसरी करें। अच्छा मरियम, वो छोटी छोटी शरारतें भी होती हैं, और उसमें एक शरारत बड़ी वाजे है कि हाँ हर किसी ने की होती है, रिजवानी साहब ने की होगी ये शरारत, मुझे यकीन है, घरों की बेलें बजा के भागने वाली, किसी ईद पे ऐसा हुआ कि पकड़ी गई हो? मैंने ऐसी मशकूक हरकतें की नहीं, करवाई है कजन से। अच्छा, क्योंकि मेरा हाथ ये डॉन थी ना, मैं डॉन एस्टेब्लिशमेंट डॉन हूँ, आगे खुद होती हूँ, मतलब फ्रंट पे बैक पे टीम होती है, उनको कहना करो पीछे साइड पे, मतलब अपना नाम ही ना आए, नहीं 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 क्लीन चिट, अपना नाम आ जाए, उनको सेव करना, करवाई जो मैंने खुद थी। आगे भाई आपको किसने कहा, मैं मेरा हाथ पहुंच सकता है, वो कर सकते हैं, वो तो अपना काम करे भाई, मैं अपनी हाइट की वजह से ना बहुत फायदा भी उठाया। वो कहते हैं आपने बल बजाई, मैंने कहा अपनी बेल देखें, इतनी ऊंची, मेरा कद देखें, क्या बात, वो बजा रही हूँ, मैंने कहा मैंने नहीं देखा भाई, जो काम आप करती रही आप मुझसे क्यों पूछ रहे? मैंने तो किया है सर, और आपने भी किया है, अब अगर इनके दौर में तो बेलों वाला सिस्टम, हाँ तो और क्या, दरवाजे उस दौर में बट्टे मार के मैं डिफेंड कर जाती हूँ, भाई नहीं ना आगे को सपोर्ट मिलनी है, मैं उनको तो नहीं फंसा सकती भाई, मेरा हाथ थोड़ी जाता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने सर एक दफा बेल बजाई है, मम्मा वॉक साथ मम्मा थी, मम्मा पकड़ी गई, देखा अच्छा तनवीर साहब, आपको जो आपके स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ऐसे नफीस शरीफ ऐसा पाया है, लेकिन शरारतें तो आपने भी की होंगी, तो वो कौन सी ऐसी शरारत है जिससे क्या मुराद है की है? हाँ। अच्छा अपनी बारी रिजवानी साहब कहते हैं कि मैंने की ही नहीं है, मैंने कब कहा? हाँ। नहीं शरारतें तो आप अभी भी करता हूँ, जिनले जितनी दुनिया में इजाद हुई है शायद सारी की हो। हाँ। और तो किस शरारत पे ऐसे बहुत जो है ना हंगामा मच गया हो?
हंगामा तो एक दफ़ा, अच्छा हम ना खाने पीने की शरारतें ज़्यादा करते थे ना, मतलब मटर हैं तो वो चुरा लिए, आलू हैं तो वो चुरा लिए, हाँ कहीं से वो उस कनस्तर होता था ना, कनस्तर को ऊपर से, कनस्तर को फाड़ने के लिए छुरी चुरा ली, उसको फाड़ना, फिर वो नीचे आग जलानी, और फिर आलू चोरी करने, आलू गोनू के डालना, फिर कहीं से दही ले आना, फिर उसकी लस्सी बनानी, और मतलब ये सारा कुछ इस तरह। ये देखिए सारी वो शरारतें हैं जो एक जिम्मेदार का बच्चा करता है, सारी वही 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 देहाती बंदे हैं ना, तो हमारी शरारतें इस तरह की थी। खाना बनाना आता आपको? मुझे सिर्फ दो चीजें बनानी आती, चाय और अंडा। ना एक ना वो फेलियां नहीं मिलती जो दूध में डाल के, हाँ बस मैं दूध गर्म करके उनको डाल सकता हूँ अंदर, ये तो एक हो गया। दूसरा मैं अंडा उबाल सकता हूँ। ये देख, ये इतनी मुश्किल जो डिशेस तनवीर नाडला साहब को बनानी आती है, हम किसी दिन जो है ना कुकिंग शो पे रेसिपी इनसे लेंगे, बल्कि इन्हीं को बुलाएंगे और ये हमें रेसिपी देंगे। बनाना मैं तब सीखी थी जब मतलब स्कूल से आता था ना वापस घर, तो दोपहर का टाइम होता था ना, उस वक्त घर वालों को उठाना या गर्मी इतनी होती थी पास उपर, तो सिलेंडर पड़ा होता था, उस वक्त तो सुई गैस भी नहीं था ना, सिलेंडर पड़ा होता था, बस देखी उठाई, दूध डाला, उसके अंदर फेनिया डाली, खाई। अच्छा मेरी मीठे में क्या उस दिन मखसूस क्या खाना होता है फरमाइश पे? सवैया। अच्छा सवैया। अब तो मैं ज्यादा बर्गर बनती हूँ तो चीज केक, हाँ लेकिन अभी वो मम्मा कहती हैं बेटा घर है तो घर, तो ज्यादातर सवैया शौक से, फिर नानों के घर में एक वो दावत का सीन होता है तो वो दावत पे जो चीज़ें होती है। अच्छा क्विकली लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि ईद पे खसूसन देसी फूड या फिर फास्ट फूड? फास्ट फूड मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए, तो एक आज का मैसेज ही शायद यही हो कि फास्ट फूड से जितना हो सकता है ना हमारी खासकर यूथ को बिल्कुल जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। जंक फूड होते हुए कह रहे हैं बहुत नुकसान देता है। देखो आप ये बस सही कह रहे हैं, मुझे लास्ट टाइम ये रमजान में स्टमक इशू हो चुके हैं। क्योंकि जो ये एज बढ़ेगी ना, मतलब आप 40 से अबव जाएंगे या 35 से अबव जाएंगे, उस वक्त फिर फीलिंग्स आती है वो क्या कर बैठे, क्योंकि यंग होता है जब बंदा, उस वक्त तो लकड़ हजम पत्थर हजम कुछ नहीं। हालांकि अभी ये सऊदी अरब में थे, इनकी जो पोस्ट पे कई जगहों पे ये अच्छा खासा दोस्तों के साथ खाते हुए पाए गए हैं, पकड़े गए, देखिए पकड़े गए हैं, मतलब ये जो कह रहे हैं ना इनके कॉल ऑफ फेल में शदीद नहीं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये जो मैं करता हूँ ये आपने नहीं करना, नहीं करना, मैं तो करता हूँ। पूरा हफ्ता ऐसा गुजरता था कि 7 दिन जवानी साहब डिनर में पिज्जा होता था मेरा, और उससे स्टमक का इतना बुरा असर हुआ, फिर रिकवरी जो होती है ना वो बड़ी टफ हो जाती है। तो आप मतलब 15 दिन में एक दफा, महीने में एक दफा समझ आता है, ये जो रूटीन बना लेते हैं ना कि डेली बर्गर आ रहे हैं, डेली पिज्जा आ रहे हैं, इससे मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए। सही, हम क्योंकि टाइम बहुत जालिम चीज़ है और टाइम ख़त्म हो चुका है हमें प्रोग्राम का, तो आखिर में कोई पैगाम जो आप देखने वालों को देना चाहें? मैं अपने सोशल वर्क के हवाले से ही दूंगी, क्योंकि एक वो एक मेरे लिए बहुत एक होता है, ईद तो अपनों के साथ गुजारते हो, कभी उन लोगों के साथ गुजारा करो जिनके अपने नहीं होते लिटरली, और उनके साथ गुजारा करो, ईद का मज़ा ही उसमें है, मैं यही कहूँगी, क्योंकि मेरी ईद उन लोगों के साथ गुजरती है तो मेरे लिए सबसे बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट ही उनसे मिलना होता है। तो मेरा सबको यही मैसेज है, ईद अपनों के साथ तो गुजारते हो, कभी दूसरों के साथ भी गुजारनी चाहिए जिनके अपने नहीं होते। जी तनवीर साहब, मेरा पैगाम यही है कि मतलब हम बड़ा बातें करते हैं ना, हम शो से पहले बातें करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान में गुरबत की और इस तरह की, तो देखें अगर आप पाकिस्तान को एम्पावर करना चाहते हैं, अगर आप मुल्क की खैर खा है ना, तो इसकी इकॉनमी को बेहतर करने में अदा करें, मतलब रोल प्ले करें, मतलब आप जितना अच्छा खुद कमाएंगे, जितना अच्छा आप इस इकॉनमी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो सबसे बड़ी खिदमत आपकी मुल्क के लिए हुई है, क्योंकि दुनिया में उस मुल्क की सिर्फ इज्जत है, आप देख लें अभी भी बिल्कुल जो हम अपने मुल्क से पहचाने जाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है जो, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो करीब या गरीबी कुफर तक पहुंचा दे। तो मेरा पैगाम यूथ के लिए ये है कि डायरेक्शन अपनी सेट करें और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही करें। बहुत शुक्रिया आपका रिजवानी साहब, आपने कोई पैगाम देना आज के दिन? मेरा ख्याल है कि दो हमारे स्टार्स ने जो बातें की हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव बातें हैं,
और जिन्हें हमें क्या आप सबको फॉलो करना चाहिए सिर्फ ऐड कि ईद वाकई हम मनाते हैं, खुद मनाते हैं, लेकिन जैसे मरियम ने कहा कि हम अपने अराउंड उन लोगों को ज़रूर देखें जिन्होंने ईद मनानी है या वो नहीं मना पा रहे हैं। अगर हम उनकी खुशी का बायस भी बन सकते हैं तो हमें बनना है। बेशक आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजर रही है, इस ईद पे कितनी ईदी बटोरी है, और अगर आपने ईदी दी है तो कितनी ईदी दी है, क्या पकाया है आपने खुद, वो ज़रूर बताएं, हमसे शेयर करें। और इस ईद पे ऐसी क्या शरारत की है जिस पे आप पकड़े गए हैं, ज़रूर हमसे शेयर करें, क्योंकि ईद अपनों के संग और आपके बगैर हमारी ईद नामुकम्मल है। इसीलिए इस ईद के दिन हम आपके साथ ईद मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का और पसंद करने का। हम सबको इजाज़त दीजिए ईद के इस दिन। आप सबको ढेरों ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।